Okay, student of class 7th, let us we know about the mechanism of breathing. Mechanism of breathing in humans. तो mechanism of breathing, जैसे आप पिछले lectures में जान चुके हैं कि कैसे breathing in the lungs and breathing to the lungs होता है, तो आज हम यहाँ mechanism of breathing देखेंगे. Lungs are present in the chest cavity. Lungs are present in the chest cavity. जो फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं, चेस्ट कैविटी में मौजूद होती हैं. द रिब्स सराउंड दिस कैविटी ऑन द साइड से. बगल से जो पसलियाँ होती हैं इस कैविटी गुफा को क्या करते हैं, सराउंड घेर लेती हैं. ए लार्ज फ्लैट मसल कॉल्ड डायाफ्राम. ए लार्ज फ्लैट मसल कॉल्ड डायाफ्राम. एक बड़ा चिपटा जो मसल्स मांसपेशी होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. वो चेस्ट कैविटी की सतह का निर्माण करती है. ड्यूरिंग इनहेलेशन ब्रीथिंग इन सांस अंदर लेते समय. द रिब्स जो पसलियाँ होती हैं मूव्स आउट, बाहर की तरफ फूलते हुए उठती हैं, बाहर की तरफ आती हैं, मूव करती हैं और फूलती हुई ऊपर आती हैं. द डायाफ्राम मूव्स डाउन, जबकि जो डायाफ्राम होता है वो मूव्स डाउन, वो नीचे की तरफ जाता है. दिस मेक्स द चेस्ट कैविटी लार्जर, जब पसलियाँ जो बाहर आएंगे और डायाफ्राम नीचे आएगा तो इससे वहाँ चेस्ट कैविटी की एरिया जो है बढ़ जाती है. दिस मेक द चेस्ट कैविटी लार्जर, इससे जो चेस्ट कैविटी जो है बड़ा हो जाता है. एयर देन रसेस इनटू द लंग्स, फिर हवा क्या होती है, उन फेफड़ों में दौड़ पड़ती है, हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है. द लंग्स इन फ्लैट, और फेफड़ा क्या होता है, फूल जाता है, बैलून की तरह फेफड़ा आपका फूल जाता है, फूलता है. ड्यूरिंग एक्सहलेशन ब्रीथिंग आउट, एक्सहलेशन बहिःश्वसन, बाहर की तरफ श्वसन देने से, सांस को बाहर करने के समय क्या होता है, तो उसके कारण द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स. तो जो पसलियाँ हो, जो सीने की पसलियाँ हैं वो क्या होते हैं, मूव डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ अंदर की तरफ गत करती हैं. द डायाफ्राम मूव्स अप, अब इससे क्या होता है, जो डायाफ्राम आपकी चेस्ट कैविटी में है वो मूव्स अप, वो ऊपर की तरफ हो जाता है, फैलता है ऊपर तरफ, यानी गले की तरफ फैलता है, मूव्स अप ऊपर तरफ हो जाता है. दस इस प्रकार से द चेस्ट कैविटी इज रिड्यूस्ड, इस प्रकार से द चेस्ट कैविटी इज रिड्यूस्ड, जो उसमें सीने की गुफा है वो रिड्यूस घट जाती है. एयर रसेज आउट ऑफ द लंग्स, और वो जो हवा फेफड़ों के बाहर आ जाती है, एंड द एयर रसेज आउट ऑफ द लंग्स, और हवा जो है उस फेफड़ों से बाहर आ जाती है. द लंग्स श्रिंक्स, और इस तरह से देखते हैं आपकी लंग्स क्या होता है, सिकुड़ता है. बच्चों के लिए आपका सैटरडे रहेगा, इसलिए आपको एक एक्टिविटी भी बता दी जा रही है कि परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ डायाफ्राम इन द बॉडी हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड आउट ऑफ द एयर. तो इस एक्टिविटी को आप घर पे कर सकते हैं, इससे आपको क्रिया समझ में आ जाएगी कि कैसे श्वसन की क्रिया अंदर जाती है, सांस अंदर जाता है और सांस बाहर निकलता है. इसके लिए आपको दिखाया गया है कि इसमें यू रिक्वायर टू ग्लास बेल जार्स, आपको दो ग्लास के बेल जार की ज़रूरत पड़ती है. टू वाई शेप ग्लास ट्यूब्स, दो वाई शेप के ग्लास ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है. टू बैलून्स, दो बैलून्स की ज़रूरत पड़ती है. टू रबर कॉर्क्स, दो रबर कॉर्क की ज़रूरत पड़ती है. टू रबर थिन रबर शीट्स, और दो पतली बहुत पतली रबर की पन्नियों की ज़रूरत पड़ती है. एंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग की टुकड़ा ज़रूरी होता है, डोरी ज़रूरी होता है. फिक्स अप द वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब विद द बैलून इन द बेल जार, बेल जार में वाई शेप्ड के
जो ग्लास ट्यूब है उसको बैलून के साथ फिक्स कर दीजिए एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। टाई द थिन रबर सीट अराउंड द बॉटम ऑफ द बेल जार विथ ए स्ट्रिंग, एक डोरी की मदद से बेल जार की बॉटम साइड में उस पतली रबर सीट को जो है बढ़िया से बांध दीजिए। दिस सेटअप्स द इज जस्ट लाइक द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन, और यह सेटअप जो है ठीक उसी तरह से होता है जैसे इंसानों में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। द बेल जार इज इक्विवेलेंट टू द चेस्ट कैविटी, द बेल जार इज इक्विवेलेंट टू द चेस्ट कैविटी, जो बेल जार होता है वो इक्विवेलेंट होता है टू द चेस्ट कैविटी, वो चेस्ट कैविटी के समान होता है। एंड द बैलून टू द लंग्स, और जो बैलून उसमें लगा रहता है वो फेफड़े की तरह होता है। द रबर सीट रिप्रेजेंट्स द डायफ्राम, और जिसमें जो रबर सीट लगी हुई है वो तो किसकी तरह होती है, डायफ्राम की तरह होती है, डायफ्राम का काम करती है। नाउ पुल द रबर सीट डाउन, अब आप क्या करेंगे, रबर सीट को नीचे की तरफ खींचेंगे जैसे यहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया ना, रबर सीट आप नीचे की तरफ खींचते हैं। नाउ पुल द रबर सीट डाउन साइड, अब रबर सीट को नीचे की तरफ खींचे, द स्पेस इन द जार इंक्रीजेज, जो जार में स्पेस है वो बढ़ जाता है, स्पेस जगह जो है जार में है बढ़ जाती है। एंड द बैलून्स गेट इन्फ्लेटेड, और जो उसमें लगा बैलून है फूल जाता है। व्हेन द रबर सीट इज रिलीज्ड, जब रबर सीट छोड़ दी जाती है, द बैलून कोलैप्स, अब बैलून जो पिचक जाता है, बैलून क्या होता है पिचक जाता है। दिस द वे, इस तरीके से भी इनहेल एंड एक्सहेल एयर, हम हवा को अंदर लेते हैं और हवा को बाहर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, इस तरह से डायफ्राम के मूवमेंट की मदद से सांस अंदर जाती है, सांस बाहर निकलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, यू विल डू दिस एक्टिविटी एट योर होम ऑन सैटरडे एंड संडे। ओके, थैंक यू वेरी मच।